नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कराची में जेर तरबियत अफसरान ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी लाहौर का दौरा किया। वफ्द में मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के 42 अफसरान शरीक थे, जिन्हें सेफ सिटीज के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा कराया गया। अफसरान ने ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर से शहर के अहम मकामात की लाइव सर्वेलेंस का जायजा लिया और जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की वर्किंग देखी। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद कामरान खान ने ब्रीफिंग के दौरान जेर तरबियत अफसरान को बताया कि सेफ सिटीज अथॉरिटी अमन व अमान के क्याम के लिए कानून नाफिज़ करने वाले तमाम इदारों को हर मुमकिन इमदाद फ्राहम कर रही है और मुहर्रम अल-हराम में 650 से जायद कैमरों की मदद से तमाम अहम मकामात की 24 घंटे सर्विलेंस यकीनी बनाई जाएगी। 24.8 मिलियन कॉल्स हमने 15 की लाहौर में पिछले चार सालों में रिसीव किए हैं, चार पाँच सालों में। पंजाब में 81 मिलियन कॉल्स हम अब तक सिंस जुलाई 19 से लेकर अब तक कर चुके हैं। इससे जो सबसे बेहतरीन जो काम हुआ, इसमें जो रिस्पांस टाइम पुलिस का घंटा घंटा होता था, वो अब हम अंडर 10 मिनट्स या विद इन जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं वो 20 मिनट्स के अंदर लाने में कामयाब हो गए हैं। वफ्द में शामिल अफसरान ने कहा कि कराची शहर की सिक्योरिटी और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट नागुजीर है। हमारे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जिस तरह PSL है, जिस तरह मुहर्रम अल-हराम है और जिस तरह बाकी लॉ एंड ऑर्डर की अगर कोई सिचुएशन हो, तो उसमें जितना काम सेफ सिटी का है, ऑल विद द रिकॉर्डिंग ट्रैकिंग और विद एविडेंस, और किसी चीज़ का नहीं है। ज़ेरे तरबियत अफसरान का कहना था कि तेज़ी से बदलती दुनिया में सेफ सिटीज़ जैसा स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा जदीद पुलिसिंग का ऐसा कामयाब मॉडल है जिसे पाकिस्तान के कोने कोने तक फैलाना होगा।